वर्ल्ड कप शुरू होने में अब ज्यादा समय नहीं बच रहा है और ऐसे में पाकिस्तान का ड्रामा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। अगर आप देखें तो पहले रमीज राजा, उसके बाद नजम सेठी और अब हाल ही में एहसान मजारी, पाकिस्तान के जो खेल मंत्री है, उन्होंने बयान दिया है और भारत को चेतावनी दे दी है कि यदि एशिया कप के लिए टीम इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगी तो वर्ल्ड कप के लिए भी टीम पाकिस्तान जो है इंडिया नहीं जाने वाली। अब वर्ल्ड कप का मैच रहने दीजिए, हमें नहीं करवाना है। अब ऐसे में देखें तो पाकिस्तान का ये जो ड्रामा है रुकने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन अब फाइनली यहाँ पर इंडिया का पक्ष लेते हुए पाकिस्तान के जो पूर्व अध्यक्ष है, पीसीबी के पूर्व अध्यक्ष खलील महमूद, उनकी मैं अगर बात कर लूँ तो उन्होंने हाल ही में इंडिया का पक्ष लिया और बोला है कि जितनी भी बातें बोली गई हैं खेल मंत्री की तरफ से वो सारी बातें बेतुकी हैं। और उन्होंने प्रधानमंत्री की कमेटी पर भी निशाना बनाया और बताया है कि ये जो कमेटी बिठाई गई है ये कहीं ना कहीं उनको बेतुकी लगी है, इस चीज़ का कोई मतलब नहीं था। उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया है जहाँ पर उन्होंने ये बयान दिया है। दिलचस्प बात यह है कि कमेटी में मुख्य हितधारक पीसीबी का कोई भी प्रतिनिधि नहीं है। सरकार ने कमेटी में मंत्रियों को शामिल करके अपने ही इस बात का विरोध किया है कि खेल में राजनीति को नहीं लाना चाहिए। अगर सुरक्षा मुद्दा है तो बात समझ में आती है, लेकिन ये कहना कि अगर भारतीय टीम एशिया कप खेलने पाकिस्तान नहीं आएगी तो हम भी विश्व कप खेलने भारत नहीं जाएंगे, दोनों चीजों को मिलाने की बात नहीं है जो हमने इससे पहले कभी नहीं किया है। अब अगर खलील महमूद की मैं यहाँ बात कर लूँ तो 1999 में टीम पाकिस्तान ने जब भारत का दौरा करा था तब ये बोर्ड के अध्यक्ष थे, और उसके बाद पाकिस्तान की जूनियर टीम ने जब भारत का दौरा करा था 1989 में तब उस टीम को ये मैनेज कर रहे थे। तो इस वजह से ये कहीं ना कहीं भारत का पक्ष ले रहे और बता रहे हैं कि मैं भारत गया हुआ हूँ, मुझे पता है कि ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, और ICC एक बहुत बड़ी लीग है, बहुत बड़ी बॉडी है क्रिकेट की, अगर वो अपने हिसाब से टूर्नामेंट करा रही है तो हमें उनके हिसाब से चलना चाहिए। उसके बाद उन्होंने एक बयान और दिया है जहाँ पर उन्होंने कहा है कि अब नजम सेठी नहीं रहे हैं यहाँ के चीफ, लेकिन उनके जितने भी बयान थे, जितने भी मुद्दे थे, उनको सम्मान दिया जाएगा। उनके बयान के मुताबिक उन्होंने ये बात कही है, मैं इस बात से सहमत हूँ कि भारत का पाकिस्तान का दौरा ना करने का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीज़ें इस तरह से नहीं की जाती हैं जैसा पीसीबी अभी कर रहा है। जब मैं 1999 में पीसीबी अध्यक्ष था तो भारत से धमकियों के बावजूद हमने भारत में एक प्रतिनिधिमंडल भेजकर अपनी टीम के लिए सुरक्षा स्थिति का आकलन किया और सरकार को सलाह दी कि हम भारत जाने के इच्छुक हैं। नजम सेठी ने एशिया कप पर क्रिकेट मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष के रूप में जो भी निर्णय लिया था उसका अब सम्मान किया जाना चाहिए। उसके बाद यहाँ खलील महमूद ने एक और बयान दिया जहाँ पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जो खेल मंत्री हैं उनके बयान के बाद यहाँ पर जो पीसीबी के नए चेयरमैन हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है, और उन्होंने कहा कि अभी ICC के साथ उनकी मीटिंग होने वाली है। तो पीसीबी के जो नए चेयरमैन हैं ज़ाका अशरफ, वो ICC के साथ अभी मीटिंग करने वाले हैं, और यहाँ पर खलील महमूद ने ये बोल दिया कि उनको बहुत दिक्कत आने वाली है। तो देखेंगे अब ऐसे में क्या निर्णय लिया जाता है, क्योंकि अब फाइनली अगर आप देखें तो पीसीबी में भी दरार आना शुरू हो चुकी है। पीसीबी के पूर्व अध्यक्ष ने जब सवाल उठाना शुरू कर दिया है तो बाकी अध्यक्ष भी अब सवाल उठाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान जो है वो फेस करे ये सब, क्योंकि अगर आप देखें यहाँ वर्ल्ड कप नहीं होता तो बाकी बोर्ड अध्यक्ष के साथ भी पाकिस्तान के रिश्ते खराब हो जाएंगे। तो कमेंट्स में बताएं आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।